प्रियंका चाहर चौधरी जितना भी पैसा कमाएंगी वो टिकेगा नहीं, या यू कह लो कि वो जितना भी पैसा कमाएंगी वो उनके घर से हमेशा खर्च ही होता रहेगा और वो कभी उनके घर में रहेगा ही नहीं। आखिर कौन ये सारे बयान दे रहा है, कौन ये सारी बातें कह रहा है और क्या क्या बातें इसके साथ और कह रहा है, आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांत। प्रियंका चाहर चौधरी जो बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद इस समय सेवेंथ हेवन पर है। एक बात बहुत साफ, मतलब एक सेवेंथ हेवन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके का उनको मीडिया अटेंशन, पेपराजी अटेंशन मिल रहा है, वो ये सारी चीज़ें सच में डिजर्व करती हैं। क्योंकि जिस मतलब बिग बॉस की जर्नी उनकी जिस तरीके से थी ना, तो बाहर जनता ने अनुमान लगाया था कि यार प्रियंका चाहर चौधरी के अलावा आखिर बिग बॉस का विनर कौन बन सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रेडिक्शन, बहुत सारे लोगों की सोच जो है वो टूटी इस बार, और इस बार हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिग बॉस सीजन 16 के विनर बने एमसी स्टैन, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हाँ शायद इस बार वोट्स के हिसाब से बिग बॉस ने सच में विनर बनाया। क्योंकि एमसी स्टैन एक लौते कंटेस्टेंट को भाई 15 मिलियन वोट्स मिले थे। प्रियंका थर्ड नंबर पे बाहर आई थी बिग बॉस के घर से, लेकिन थर्ड नंबर पे बाहर आने के बाद जिस तरीके से वो स्टेज पे आई हंसते हुए, और सलमान खान ने को ही बोला कि देखो कितने हंसते हुए आ रही हो, तुमको दुख नहीं हो रहा? इस पर प्रियंका भाई कहते हैं सर ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा लालच से सिर्फ और लालच बढ़ती है, कुछ मिलता नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी चीज़ बोली कि सर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब मैं पहले बिग बॉस के घर में गई थी तो ऐसा लग रहा था कि हफ्ते भर में बाहर आ जाऊँगी, लेकिन अब जब बिग बॉस के घर में हूँ, जब मैंने थोड़ा समय निकाला, थोड़े समय मैंने खेल लिया, तो ऐसा लगा कि हाँ मतलब मैं जीत सकती हूँ ट्रॉफी भी। लेकिन यहाँ तक आना भी और जनता का इतना ज़्यादा प्यार मिलना सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिस पर प्रियंका की नज़र जाती है अंकित गुप्ता के ऊपर, और अंकित गुप्ता पूरा फूट फूट कर रो रहे हैं, और दिमाग में लोगों के सवाल ये रहा था कि यार आखिर प्रियंका के इवेक्शन पर अंकित क्यों रो रहे हैं? अंकित तो अपने इवेक्शन पर भी नहीं रोए थे, क्योंकि अंकित जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि प्रियंका के अलावा कोई बिग बॉस जीतेगा नहीं। तो आप सब जानते हैं कि बिग बॉस में ना शौरिश शर्मा जो एस्ट्रोलॉजर थे वो आए थे, तो उन्होंने ना कुछ बातें थी जो ऑफ एयर थी, तो अब वो खुलासे कर रहे हैं इस चीज़ के। शौरिश कहते हैं कि प्रियंका को मैंने एक बात बताई थी कि क्या प्रियंका तुम्हारा घर मतलब कॉर्नर वाला घर है, कॉर्नर वाला सेकंड लास्ट घर है? तो शौरिश बोलते हैं कि हाँ, प्रियंका ने बोला कि उनका घर कॉर्नर वाला है। फिर शौरिश बोलते हैं कि आपका घर का दरवाज़ा खुलते ही सामने सीढ़ी है, प्रियंका बोलती है हाँ, और सीढ़ी के ऊपर से जाओगे तो छत पे झूला है, तो बोलती है हाँ। तो शौरिश बोलते हैं मैंने प्रियंका को एक चीज़ बिग बॉस के घर में बोली थी कि जब तक आपके छत पे से वो झूला नहीं हटेगा, आप जितना भी पैसा कमा लोगे वो पैसा आपके घर में नहीं टिकेगा। और आपको बता दें कि शौरिश ही थे जिन्होंने बात बोली थी कि आपका और अंकित का कोई सीरियस चीज़ें नहीं लग रही है, तो इसको इधर ही छोड़ दो। तो इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर, और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।